अगर आपके पास भी है चौपहिया वाहन तो कट सकता है आपका चालान। जी हाँ, अगर आपके पास कमर्शियल या नॉन कमर्शियल चौपहिया वाहन है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हरियाणा में चौपहिया वाहनों के लिए नए नियम लागू हुए हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आपका चालान कट सकता है। नमस्कार, मैं पूजा नव समाचार पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं आखिर पूरी खबर क्या है। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ साथ कलर कोडेड स्टिकर भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह स्टिकर नहीं लगा तो चालान के तौर पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से यह पिछले साल लागू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सिरे नहीं चढ़ सका। अब सभी जिलों के सचिवों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अब सभी वाहनों पर इसे शक्ति के साथ लागू किया जाए। फिलहाल हरियाणा में 3 तरह के कलर कोडेड स्टिकर है। नीले रंग का मतलब है कि वाहन पेट्रोल या सीएनजी का है। नारंगी कलर का मतलब है कि वाहन डीजल का है। इसके अलावा सलेटी कलर का स्टिकर है, यानी कि वाहन इलेक्ट्रिकल है। कलर कोडेड स्टिकर पर वाहन का नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखी होगी। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर संदीप गोयल के अनुसार यदि किसी ने वाहन की नंबर प्लेट में कोई छेड़छाड़ की है तो वह इस कोड से पकड़ा जाएगा। दरअसल स्टिकर पर एक कोड दिया गया है, इसी तरह का कोड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर भी रहता है। दोनों में वाहन की पूरी हिस्ट्री होगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कौन से साल का है, किसके नाम पर है, कहाँ रजिस्टर्ड है, किस फ्यूल का है। चेकिंग के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर के कोड का मिलान होगा। यदि नंबर प्लेट और स्टिकर के बाद कोड में वाहन की अलग अलग जानकारी मिलती है तो इसका मतलब है कि नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई है। कलर कोडेड स्टिकर लगवाने के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग की वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर जाना होगा। यहां पर कलर कोडेड स्टिकर के लिए बुकिंग करानी होगी और 146 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद निर्धारित समय के अनुसार संबंधित डीलर के यहां पर जाकर इसे लगवाया जा सकता है। हर जिले में RTA की तरफ से इसके लिए डीलर बनाए गए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर से परिचित हो सके। अगर अभी तक आपने नव समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। धन्यवाद।